सम्मानित मंच और मैनपुरी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैनपुरी की इस पावन धरा को जिसने ऋषियों मुनियों और क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला देश को दी, इसे कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इसी माटी के सपूत श्री रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में आज अपना जो उत्साह दिखाया है, ये उत्साह साबित करता है कि इसी उत्साह और उमंग को ध्यान में रखकर के समाजवादी पार्टी में काफी बौखलाहट आ चुकी है। भाइयों बहनों, ये तो समाजवादी पार्टी का इतिहास है, जब भी चुनाव हारती है तो उससे पहले वो बहाना बनाती है। पहले ईवीएम को, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी भाजपा के नेताओं को, कभी प्रशासन को, कभी पुलिस को दोषी ठहरा करके वह बहाना ढूंढ लेती है कि चुनाव के बाद जनता के सामने क्या वह मुंह दिखाएंगे, उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है इन बहानों के माध्यम से। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपका यह उत्साह और उमंग मैनपुरी के लिए एक नए इतिहास को गढ़ने की ओर अग्रसर होने जा रहा है। मैं सबसे पहले मैनपुरी भोगावा की उस जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने विगत विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जयवीर सिंह और श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश में सरकार गठन में अपना योगदान दिया। भाइयों बहनों, मैं करहल और किसनी के उन कार्यकर्ता और उन सभी जनता जनार्दन का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिला बिना भय के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपना योगदान दिया था। परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन बिना निगे, बिना हिले, बिना झुके, बिना लालच में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना उस समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण था और मेरे लिए वे सभी वर्ण है जिन्होंने इससे ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। भाइयों बहनों, मैं पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के इस कथित समाजवादी पार्टी परिवार के मुंह से कुछ बातें सुन रहा हूं, कह रहे हैं कि हमने मैनपुरी को पहचान दिलाई। मुझे आश्चर्य हुआ। भाइयों बहनों, महर्षि च्यवन की ये भूमि है, महर्षि श्रृंगी की भूमि है, महर्षि वेदव्यास का यहां पर तपोभूमि है और उनके आश्रम आज भी यहां मौजूद है। भव्य सूर्य मंदिर के लिए मैनपुरी जाना जाता था और यहां पर सातवीं आठवीं शताब्दी में तो सैकड़ों आश्रम इस मैनपुरी क्षेत्र में पाए जाते थे, जो इस बात को प्रमाणित करता है मैनपुरी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना भारत के अंदर मानव समाज और सभ्यता का सह। लेकिन उसको झुटला करके उस पहचान के साथ अपने आप को जोड़ने की बजाय ये दिखाने का प्रयास करना कि मैनपुरी का इतिहास तो केवल सिपाही खानदान के साथ है। भाइयों बहनों, ये सच्चाई को वास्तव में धूल दिखाने जैसा है। और अगर सचमुच सिपाही खानदान ने विकास किया होता तो भाइयों बहनों, अकेले मैनपुरी जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत 5.5 वर्ष के अंदर 37,500 से अधिक गरीबों को एक एक आवास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने दिया है। ये आवास आखिर इन गरीबों को 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रहने पर क्यों नहीं उपलब्ध हो पाए। भाइयों बहनों, अकेले मैनपुरी जनपद में
2,81,000 गरीबों के लिए एक शौचालय बने, और यही नहीं 549 सामुदायिक शौचालय भी आपके मैनपुरी जनपद में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। भाइयों बहनों, अगर यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास किया था तो फिर ये 226 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बनाने की नौबत आखिर डबल इंजन की सरकार के सामने क्यों आई थी? और यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले कैसे 5,000 पटरी व्यवसायियों के लिए भी पीएम स्वनिधि योजना में ब्याज फ्री ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य ये भी डबल इंजन की सरकार ने किया है। 3,67,000 अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 1,54,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन, 1,03,000 गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन, और साथ साथ 1,795 यानी 1,800 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मैनपुरी के अंदर हो पाया। भाइयों बहनों, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, 3,02,000 से अधिक गोल्डन कार्ड, जिसमें 5,00,000 रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर यहाँ की गरीबों को प्राप्त हो रहा है, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 5,000 महिलाओं को मातृ वंदना योजना का लाभ, और 97,900 वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, 33,400 से अधिक निराश्रित महिला पेंशन, और 13,200 दिव्यांग जनों को दिव्यांग पेंशन में 12,000 रुपए सालाना ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, कन्या सुमंगला योजना में भी 10,000 बालिकाओं को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2,500 बेटियों की शादी भी इस योजना के अंतर्गत यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, ये कुछ आंकड़े हैं जो मैनपुरी जनपद की सच्चाई को आपके सामने रखती है, और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड की बात छोड़िए, 8 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, मैनपुरी में हमारे विधायक प्रदेश सरकार के मंत्री वे लगातार मैनपुरी में रहते हैं, भोगांव से हमारे विधायक श्री राम नरेश अग्नोत्री लगातार जनता की सेवा में है, करहल में आपने जिन्हें विधायक चुन करके भेजा। भाइयों बहनों, करहल में जीतने के बाद दूसरी बार जनता जनार्दन ने उनके दर्शन नहीं किए होंगे, और 27 बार करहल में जनता जनार्दन की सेवा के लिए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही बार बार वहां गए हैं, किसनी में हमारे कार्यकर्ता गए हैं, लेकिन भाइयों बहनों, कभी भी समाजवादी पार्टी के लोग एक बार करते हैं, और इसलिए अब इसका नाम तो समाजवादी रखना भी मुझे लगता है यह अपने आप में जनता को भ्रम में डालने जैसा है। इन्होंने विकास कराया होगा, अपना किया है, अपने परिवार का किया है, अपने परिवार के बाहर किसी का नहीं किया है, किसी अन्य गरीब का, जिसने भी उभरने का प्रयास किया उसके साथ क्या कुछ हुआ यह हर व्यक्ति जानता है। और भाइयों बहनों, आज तो मुझे आप सबको बताते हुए एक नया रहस्य मैं आपको बता रहा हूं, ये समाजवाद ये जेपी का समाजवाद नहीं है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद भी नहीं है, चचा शिवपाल तो डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखते हैं लेकिन उनको स्वयं नहीं मालूम होता है कि वे क्या लिख रहे हैं, उनको स्वयं नहीं मालूम है। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं वह एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं।
भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है, सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जमीन को उन्होंने या उनके सागिर्दों ने हत्याने में कोई गुरेज नहीं की। और अखिलेश जी का समाजवाद तो अवसरवादी समाजवाद है। भाइयों बहनों, शिवपाल जी के साथ क्या हुआ था हर व्यक्ति समझता है। पिछली बार तो कम से कम जसवंत नगर नेताजी के नाते मिल गई, अगली बार जसवंत नगर भी नहीं मिलने वाली है उनको, यह हर व्यक्ति जानता है। और जब भी समाजवादी पार्टी को चुनाव हारने होते हैं दो काम जरूर कर लेते हैं, एक तो बहाना कर लेते हैं, पहले से ही पृष्ठभूमि बांध लेते हैं कि साहब ईपीएम में गड़बड़ी है। अरे उसी ईपीएम में तो 2012 में आपकी सरकार बनी थी, उसी ईपीएम में इस प्रदेश में कई सांसद आपके जीते थे, कैसे आप आरोप लगाते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराने लगते हैं और कभी उसकी पृष्ठभूमि बांध करके अपने कारनामों को नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के इस बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता दो काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी इन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, एक अवसर है आप सबके सामने, आप सब मैनपुरी लोकसभा सीट से जुड़े हुए, पांचों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो मैनपुरी हो, भोगांवा हो, करहल हो, किसनी हो या जसवंत नगर के सभी मतदाता भाइयों बहनों के सामने, और वह है कि सिफाई खानदान से मुक्ति हो, यहां के नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, बहन बेटियों के लिए सुखद और सुरक्षित माहौल आगे बने, विकास की एक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। इस देश से भारतीय जनता पार्टी ने जुझारू प्रत्याशी और इसी माटी के सपूत जो आपके बीच आ सकते हैं, बिना संकोच आ सकते हैं, जैसे जयवीर सिंह, जैसे राम नरेश अग्निहोत्री, जैसे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कार्य कर रहे हैं, ऐसे ये लोग भी आपके बीच आकर के जनता जनार्दन की सेवा कर सके, विकास की नई नई योजनाओं को, जैसे आवास दिए गए, जैसे राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, जैसे बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, जैसे अन्य तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाओं का लाभ यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है, उन योजनाओं को जोड़ने के लिए एक योग्य और जुझारू सांसद आपको चाहिए, और उसके लिए श्री रघुराज सिंह शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, अब मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाता है। यहां जाति के लिए नहीं, क्षेत्र मत और मजहब के लिए नहीं, सबका साथ और सबके विकास के वास्तविक भाव के साथ जो कार्य कर सके वही राम राज्य का उदार और उदात्त भाव है। और उस भाव के साथ आपको जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है, 5 दिसंबर को जब निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे
अपने अपने बूथ को संभालते हुए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुनाथ सिंह साक्य और कमल के चुनाव चिन्ह को ध्यान में रख करके जोरदार तरीके से ईवीएम का बटन दबाइए और चुनाव की जीतने की गारंटी पाइए। इस विश्वास के साथ आप यहां पर परिवर्तन के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मेरी आप सबसे अपील है, 5 दिसंबर को श्री रघुनाथ सिंह साक्य को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए बाकी डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के साथ आपके साथ खड़ी होगी। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से इस उत्साह के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।